सबसे पहले हमारा कंधा रखेंगे, कंधा हमारा है 13 इंच, 13 का आधा हो गया 6.5 प्लस आधा इंच सिलाई के लिए 7, 7 इसका कंधा हो गया। और इस तरीके से मुद्दे की लंबाई रखेंगे हम 7.5। अब यहाँ से हमें रखना है सीना, सीना है 44, 44 का चौथाई हो गया 11 ऐसे, और उसके बाद ये 2 इंच हमने मार्जिन रख दिया। और यहाँ से 1.5 इंच ऐसे तिरछा निशान लगाकर इसकी जो है गुलाई शेप दे देंगे ऐसे। फिर यहाँ से हमें रखने गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई हमारा 3 है, और इस तरह से हमारा आधा इंच झुका हो गया। गले की लंबाई जो हमारा फैब्रिक है उसमें गले का डिज़ाइन दिया, इसलिए हम गला काट नहीं रहे हैं। अब यहाँ कंधे से कमर की दूरी है 13 इंच और हिप की दूरी है 20 इंच। तो कमर हमारा है 42 इंच, 42 का चौथाई हो गया 10.5 ऐसे। उसके बाद ये 2 इंच मार्जिन रख लिए। हिप जो है सीने के बराबर रखेंगे हम, तो सीना है 44 है, तो उसका 11 आया था, तो हिप में भी हम 11 और प्लस 1 इंच हम इसका मार्जिन रख लेंगे। और घेर हमारा 21 है, तो 10.5 प्लस 1 इंच, ये देखिए यहाँ से घेर रख ले रहे हैं 10.5 प्लस 1 इंच हमें मोड़ के लिए, यानी 11.5। अब घेर को घेर में इस तरह से हम मिला लेते हैं चौक को, ये हो गया फिटिंग का नाम और ये हो गया कटिंग का नाम। और यहाँ से हम रखेंगे इसका गुलाई शेप। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है सीना इस तरह से कमर में ऐसे लेते हुए इसका एक गुलाई का शेप हो गया, और यहाँ से जो फिटिंग का नाप हो गया, और यहाँ से हमारा ये कटिंग का नाप हो गया। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अस्तर का कटिंग कर रखा है, ये देखिए। अब हम फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख करके फिर उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये फैब्रिक को भी हमने 4 फोल्ड कर रखा है, और ये इसके गले की डिज़ाइन है, तो हमने गले पर इस तरह से डिज़ाइन दिया है। तो डिज़ाइन को डिज़ाइन से ऐसे दोनों साइड से मिला के तब इसको फोल्ड कीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अस्तर रख रहे हैं, ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ तक है। अब इसे पिन से जो है टक कर लेंगे, ताकि काटते वक्त कपड़ा इधर उधर ना हो। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा इसको टक कर रखा है, इसकी देखिए लेंथ यहाँ तक है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी कटिंग पूरा करके तैयार कर रखा है, ये देखिए। अब इसका गला हमें काटना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट हमारा है, इसका पीछे का गला हमें निकालना है। तो ऐसे 3 इंच चौड़ाई ले लेंगे, और पीछे का गला कुर्ती गला है, तो ये इसमें जो है 3.5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे, और इस तरह से इसका गुलाई दे देंगे और इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरा ये गला भी कट के कंप्लीट हो गया। अब इसका बाजू काट के हम दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बाजू है, तो इस तरह से देखिए ये लंबाई ऐसे रख दी चौड़ाई, और इस तरह से 1 फोल्ड हम और करेंगे सीने के बराबर। सीना इसका 44 है, तो इस तरह से हम 11 इंच ले लेंगे, और लंबाई हमारा 16 इंच है। तो फ्रेंड्स, इसमें छोटा आ रहा है, तो ये आ रहा है 14.5। बाकी जो आगे की पट्टी जो है आगे वाले भाग से लगा के इसकी लंबाई हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम पहले मोहरी रखेंगे, मोहरी है 6.5, तो 7 रखेंगे, क्योंकि आगे हमें प्ले जो है अलग से कपड़ा भी ज्वाइन करना है, तो वहाँ मोहरी जो है नाप के बराबर रखेंगे। 7 ये लगा दिए, प्लस 1 इंच हम रख दिए मार्जिन, और इस तरह से 3 इंच यहाँ से मुद्दे का शेप है, और ऐसे लाएंगे ऊपर की तरफ।
इसके मुद्दे का गोलाई शेप है 9, तो यहाँ पर हम 8.5 रखेंगे, आधा इंच माइनस करके, और यहाँ से इसका शेप लगा देंगे। फिर ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान ऐसे, और ये हो गया हमारा कटिंग का निशान। अब इसे हम कट करके दिखाते हैं। अब इसमें एक साइड लगाएंगे हम गहराई का शेप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा अंदर है, तो इसका भी सीधा अंदर है, और यहाँ से हम लगाएंगे आधा इंच गहराई का शेप और इसे कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग आस्तीन का तैयार हुआ और पूरी बॉडी भी तैयार हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो आस्तीन है इसमें पहले हमें मोहरी लगाना है, मोहरी की पट्टी जो हमें बढ़ाना है इससे। तो यहाँ हमने यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच की पट्टी ले रखा है, इस उल्टे साइड हम इसकी सिलाई करेंगे। अब इस तरह से इस पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे और इसे आधा इंच इस तरह से फोल्डिंग करके इसके ऊपर ऐसे लगा के इस पर एक सिलाई मार देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अस्तर को फैब्रिक पे इस तरह से पिनअप कर दिया है। इसके जो है जो शेप है ये डिज़ाइन का, यहाँ से आधा इंच छोड़ करके इस तरह से गोलाई में इसको सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने स्टिचिंग कर रखा है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स की हम कटिंग कर रखे हैं, अब इसमें छोटा छोटा कट का निशान लगाएंगे। कटिंग कर रखे हैं, हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गले को जो है पलट रखा है, अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर हमने दाब सिलाई लगा रखा है, अभी पिन को हटा लेंगे। अब अस्तर और जो है फैब्रिक को एक में चारों साइड से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया, चारों साइड इसके हमने सिलाई लगा रखा है, और गले का भी जो भी डिज़ाइन है उसको हमने तैयार कर रखा है। अब हम बैक पार्ट बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये हमारा सीधा पल्ला है और इसके नीचे वाला जो है उल्टा पल्ला है। तो इसके ऊपर जो है हम इस तरह से अस्तर को ऐसे लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पर भी हमें 1/2 इंच का स्पेस दे करके यहाँ से हमको पूरा गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार रखा है, अब इसके भी जगह जगह कट करके इसे भी हम पलट के दिखाते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पलट रखा है, अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। फिर अस्तर और फेब्रिक को दोनों साइड चारों तरफ जो है इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दाब सिलाई लगा रखा है, चारों साइड से हमने सिलाई लगा रखा है। जो अस्तर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकालेंगे और इसके कंधे की ज्वाइनिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट अंदर रखा है और बैक पार्ट को हम इसके ऊपर से ऐसे रखेंगे, दोनों का सीधा अंदर है। उसके बाद यहाँ से हम कंधे की ज्वाइनिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मेरा कंधा जो है ज्वाइंट हो गया है, अब इसमें बाजू लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीछे का पल्ला है, तो यहाँ से हमें बाजू लगाना है। बाजू का ये उल्टा पार्ट है और जो फैब्रिक मेरा नीचे बॉडी है वो इसका सीधा पार्ट है, तो पीछे गहराई नहीं होता है और आगे वाले पल्ले में गहराई है। तो सबसे पहले इसे नाप लेंगे कि मेरा कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। ये देखिए, नाप से हमारा लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे, इसका आधा इस साइड और आधा उस साइड बाहर निकाल के तब इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आस्तीन को जो है बॉडी में ज्वाइन कर दिया, अब इसी तरह दूसरा भी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो फिटिंग का हमने निशान लगा रखा था, अब इस पर हम फिटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए, दोनों साइड हमने फिटिंग का निशान लगा रखा है। ये देखिए,
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें चाप खोलना है, तो बस यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई यहीं पर रोकेंगे, इस साइड नहीं लाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम चाप बनाने जा रहे हैं इस तरह से। यहाँ से 1 इंच हम मार्जिन लिए थे, तो सबसे पहले हम किनारी वाला भाग की सिलाई करेंगे इसका। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लास्ट पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ लाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ घुमा देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने किनारी वाला सिलाई मार रखा है। अब इसके जो है दूसरे साइड का फोल्डिंग करना है, तो यहाँ से इस तरीके से जितना हमें चौड़ा पतला चाहिए यहाँ से हम ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ के इस साइड से अब सिलाई चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चाक का जो साइड वाला भाग होता है ऊपर का, यहाँ पर अक्सर सबको सबसे मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें फोल्डिंग कैसे करना है, देखिए इस तरह से लाइए, ऐसे फोल्ड कीजिए और इसकी सिलन जो इससे 1/2 इंच ऊपर लेकर आइए, ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, इधर लाइए और यहाँ से सीधे सीधे इसकी फोल्डिंग कर दीजिए ऐसे, और इसे सीधा लाइन लेकर आइए और उसके बाद फिर इसे ऐसे घुमाइए और इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर सीधा इसकी सिलाई जो है पूरा मार लीजिए। ये देखिए इस तरीके से नीचे का हम दामन लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सूट बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है।